तो सब्सक्राइब कीजिए क्विट टेक सॉल्यूशन चैनल को, और साथ ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूल। हेलो दोस्तों, क्विट टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है, इसका टॉपिक है कि ये डिजिटल मीटर के जो सिंबल होते हैं यहाँ पर, जो नीचे हम ट्रिप करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इनका सबका क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम फुल एक्सप्लेन करेंगे। चैनल पर काफी कमेंट्स आ रहे थे कि इनका क्या मतलब है और इसके बारे में वीडियो एक्सप्लेन करके बनाइए, तो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सामने आपके देख रहे हैं आप, ये टोटल किलोमीटर गाड़ी कितनी ड्राइव हुई है, ये वो है। और इसके बाद जो आता है ये भी सेम ही है, और ये देखिए ये है 8.4, जिसके साथ लिखा है एल, लिखा नजर आ रहा है आपको, और ये सिंबल बना हुआ है सर्च के जैसे। दोस्तों इसका मतलब है कि ये एल का मतलब है लीटर, इसका मतलब है कि लास्ट टाइम जब आपने रीसेट किया था ट्रिप को, तो उसके बाद गाड़ी चलने के बाद कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ है, इसका मतलब है कि 8.4 लीटर जो है टोटल जो फ्यूल है वो कंज्यूम हुआ है। यहाँ पर आप साथ में देख रहे हैं छोटा सा एल लिखा हुआ है, इसका मतलब लीटर है। 8.4 लीटर पेट्रोल जो कंज्यूम हुआ है लास्ट टाइम रीसेट करने के बाद। और नेक्स्ट है, देखते हैं, ये है 15.6। दोस्तों मैं जो अपनी गाड़ी है जो ज़्यादा लोकल में ड्राइव कर रहा हूँ ट्रैफिक में, इसीलिए माइलेज गाड़ी कम शो कर रही है। और ये आप देख सकते हैं ये सिंबल है जो 15.6 किलोमीटर पर लीटर, ये माइलेज है दोस्तों, एग्जैक्ट माइलेज की गाड़ी कितना फ्यूल कंज्यूम कर रही है, ये माइलेज है। और आगे चलते हैं, और 280 इसका मतलब है दोस्तों लास्ट, मतलब कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल बचा है अभी, और जो फ्यूल बचा है उसके साथ गाड़ी कितने किलोमीटर ड्राइव कर सकती है, जो फ्यूल टैंक में पेट्रोल बचा है उसके साथ गाड़ी कितने किलोमीटर ड्राइव करती है। 280 किलोमीटर मतलब है गाड़ी ड्राइव कर सकती है जो अभी तक फ्यूल बचा हुआ है फ्यूल टैंक में, इस सिंबल का ये मतलब है। और आगे चलते हैं दोस्तों, ये है 132, इसका मतलब है, ये आप सिंबल देख रहे हैं नीचे जो गाड़ी के पीछे सिंबल है ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब है कि 132 किलोमीटर गाड़ी चली है लास्ट टाइम जब मैंने रीसेट किया था ट्रिप को। इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके दोस्तों हम रीसेट कर सकते हैं अपने मीटर को, तो लास्ट जो ट्रिप पर मैंने रीसेट किया था उसके बाद कितनी गाड़ी ड्राइव हुई है, इसका मतलब है 132 किलोमीटर ड्राइव हुई है गाड़ी, इसका मतलब ये है। और ये है 24.0। दोस्तों जो ये आप सामने देख रहे हैं डिस्प्ले पर, इसका मतलब है कि गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है, गाड़ी की जो एवरेज स्पीड कितनी थी जब मैंने लास्ट ट्रिप को रीसेट किया, उसके बाद मैं लोकल ही ड्राइव कर रहा हूँ, एक बार भी हाईवे पर नहीं गई गाड़ी, और जो स्पीड थी वो 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। तो आप देख रहे हैं 24.0 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी जो एवरेज स्पीड है लास्ट टाइम जब मैंने रीसेट किया था ट्रिप को, तो इसकी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है लोकल में सिटी में, ये एवरेज स्पीड है जो आप देख रहे हैं लास्ट टाइम रीसेट करने के बाद ट्रिप को। तो दोस्तों आगे चलते हैं, मुझे लगता है कि ये ख़त्म हो गए हैं अब, और रिपीट हम वहीं पर आ गए हैं, टोटल गाड़ी जो कितनी चली है 8,762 किलोमीटर। तो दोस्तों सभी जो एक्सप्लेन हो गए हैं, अगर कुछ बच गया हो तो आप नीचे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से सब कुछ हो चुका है। तो आप ऐसे जो है माइलेज चेक कर सकते हैं गाड़ी की, और कितना फ्यूल आपकी गाड़ी में बचा है ये चेक कर सकते हैं, लास्ट ट्रिप में आपकी एवरेज स्पीड कितनी थी गाड़ी चलाते वक्त वो भी चेक कर सकते हैं, और आपकी गाड़ी जो फ्यूल कितना कंज्यूम कर रही है लास्ट ट्रिप के बाद, और कितना फ्यूल आपके टैंक में बचा है जिससे आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल सकती है, ये सब इस डिजिटल मीटर में है। काफ़ी अच्छा है, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है डिजिटल मीटर में कि सब कुछ गाड़ी बता सकती है यहाँ पर। तो अगर आप कुछ देखना चाहें तो इस वीडियो को पूरा फॉलो करके समझ के अपने डिजिटल मीटर में सब चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो RXT है इसमें माइलेज को शो करती है गाड़ी, बट मेरे ख्याल से RXL मॉडल है जो उसमें ये माइलेज शो करने का सिंबल नहीं है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि जो और वीडियोस मैं पोस्ट करूं वो उनका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहे, और आप ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखते रहें मेरे साथ चैनल के साथ जुड़कर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।